की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रसाद बहुत 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 स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि ये स्पेशली मेरे होम टाउन इंदौर से आ जाता है। एक स्पेशल स्वीट शॉप है वहाँ पे, जो हम एक्चुअली ये प्रसाद खा खा कर बड़े, मतलब खा कर बड़े हुए, और इसकी मेमोरीज जो है वो हमेशा गणेश चतुर्थी से रिलेटेड है। और घर में हमेशा एक ये एक हमेशा एक डेलिकेसी रहती है, हमेशा एक स्वीट चीज़ की, मतलब विच इज़ वेरी फेमस, सो हम स्पेशली इंदौर से बुलवाते हैं। दिस इज़ अ मिल्क केक, आप ये देख सकते जी, हैं, हमने तो खाया भी, आपने बहुत आपने ही खाया यमी भी है। है। सो इट्स अ मिल्क केक, मावा, जिसे मावा 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 कहते हैं। तो ये वहाँ से आता है, मेरे पेरेंट्स हैं जो फ्लाइट से भेजते हैं, फिर हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। सो इस बार हमने ये वाला प्रसाद चढ़ा है आखिरी दिन, जो 11th डे है। बाकी तो हर दिन मोदक और अलग अलग तरीके के प्रसाद हम लोग पेश करते हैं, और दिस इज़ समथिंग स्पेशल। क्या 11 दिन एकदम ऐसा रहता है, सब गेस्ट आते हैं, सब मिलने आते हैं, सारे फ्रेंड्स फैमिली सब इकट्ठा होते हैं। हमारे लिए एक तरीके की दिवाली ही है। या एक्चुअली अगर देखा जाए तो बॉम्बे की जो दिवाली सीज़न है, जो बॉम्बे का जो एक कल्चर है, वो हमारे नॉर्थ के, जैसे दिवाली में सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं, बॉम्बे के कल्चर में ये गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल रहता है, जो यूजुअली 1.5 दिन 3 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, बट हम लोग 11 दिन के ग्यारह बिठाते हैं दिन शुरू से। हाँ, मतलब मेरे घर पे अराउंड 30-35 ईयर्स से सेलिब्रेट करते हैं, और मैं भी बहुत सालों से, जब से मैं पढ़ने गया था पूना में, सो 10-12 साल मुझे भी हो चुके हैं। सो एवरी ईयर दिस इज़ लाइक आई फील दीज 10 डेज आउट ऑफ 365 डेज, जिसमें सबसे ज़्यादा हम स्वीट खाते हैं, जिसका कोई, देख सकते हो आप भी, स्वीट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह भरा हुआ है, तो खुद ही मोदक बन जाते हैं। सो इट्स समथिंग वेरी पॉजिटिव, बहुत सारी फीलिंग है जो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट हाँ, इट्स अ वेरी डिफरेंट फील। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द कोइंसिडेंस, आई वुड से दैट हमने इस बार फर्स्ट टाइम सिद्धि विनायक जी का रूप बिठाया, जो हमने, हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम बिठाया, जो आज तक हमने कभी सिद्धि विनायक जी का रूप बिठाया नहीं था। एंड द अदर पार्ट विच इज़ अनदर कोइंसिडेंस, दैट साक्षी ने और हमने पहले, मैंने डिसाइड किया था कि इस बार हम सिद्धि विनायक जी बिठाएंगे। हम लोग सिद्धि विनायक जी के दर्शन करने गए थे, तो शी फेल रियली गुड देयर एंड शी इन्वाइटेड। सो हम लोग को मूर्ति सिद्धि विनायक की पसंद आई, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जब तक हम लोगों ने डिसाइड किया था, आई साइंड अ शो कॉल सिद्धि विनायक ऑन NTV। सो दिस इज ऑल टुगेदर अ वेरी, आई मीन इट्स अ कनेक्शन वॉट आई हैव विद बप्पा, बहुत बहुत डीप कनेक्शन है, जो शायद मैं एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर सकता। एंड मेरा नाम भी रुद्र है, जो शिव जी का दूसरा नाम, मतलब अनादर नेम आई वुड से। सो इट्स ऑल टुगेदर अ ब्लेसिंग, एंड मैं लक नहीं कहूँगा, इट्स वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली, हमारे बड़ों के, जो हमारे परिवार वाले हैं, उनके कर्मा बहुत अच्छे थे, तो जाके हम आज ये कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी बिलीव, दैट वी हैव टू कीप आर कर्माज परफेक्ट एंड ग्रेट एंड अमेजिंग, सो दैट आने वाले जो छोटू नन्नू मुन्नू आने वाले हैं, वो भी परफेक्ट हो। जी सो बिल्कुल। साक्षी बताना चाहेंगी कुछ इसके बारे में? पापा का कनेक्शन तो हमेशा ही से स्ट्रॉन्ग रहा है, जस्ट लास्ट डे बहुत इमोशनल हो ये जाता हाँ, है, ये बहुत ध्यान रखती है। इनफैक्ट मैं जब शूट पे क्योंकि रहता हाँ हूँ, 11 दिन, हाँ वही मैं हाँ, तो पूछने वाला था। हाँ, हम घर, जब मतलब हम घर नहीं छोड़ते हैं, और रात में जैसे मैं शूट से आता हूँ, सो वी हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स कमिंग ओवर, सो इट्स लाइक डिनर, स्वीट, डेजर्ट, सो बहुत सारे चीज़ें प्रिपेयर करना होता है। शी इज़ थ्रू आउट द डे शी इज़ बिजी डूइंग दैट, एंड बाकी अगरबत्ती लगाना, दिए में घी डालना, ऐसे हमने ये अखंड जोत जलाते हैं, ये जो कंटिन्यूसली चलती है, तो उसका ध्यान रखना। सो इट्स ऑल टुगेदर अ बिग टास्क एंड अ बिग जॉब, सो शी डज इट। सो आई विल टेल यू समथिंग, मेरी थोड़े दिन पहले गौरव से बात हो रही थी कि 1.5 दिन की गणेश जी में आपको भगवान मूर्ति में वो चमक आने में, भगवान आने में तो 3 दिन 4 दिन पूजा के लग जाते हैं, और आप इतनी जल्दी विदा भी कर देते हो। वो आते हैं, आप फिर उन्हें रखिए तो सही अपने पास, और फिर जब वो लास्ट डे आते हैं तो वो इतना इमोशनल डे होता है कि आप इतने दिन उनके साथ रहे और अब वो जा रहे, वो जगह खाली हो जाती है। एक्चुअली वो फीलिंग बहुत अमेजिंग होती है, और जो जो लोग 1.5 दिन के रखते हैं, उनके लिए भी उनकी भी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग होती है। इट्स अ बिग एफर्ट, एंड मतलब एक एक भक्ति चाहिए, एक डेडिकेशन चाहिए कि हाँ, पापा को घर पे लेके आना और सेवा करना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पापा उन्हीं के घर आते हैं जिनके घर वो आना चाहते हैं। तो इस साल जैसे मैंने दो लोगों को मैंने, मेरे दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आज तक कभी गणेश जी को घर पे नहीं बिठाया, और सालों से मेरे यहाँ पर आ रहे हैं बॉम्बे में और इंदौर में। तो इस साल मेरे उस बहुत क्लोज फ्रेंड ने भी गणेश जी अपने घर पे बिठाए और बड़ी सेवा करी, जो वो दिन भर घर पे रहता नहीं था,
तो उसने भी बहुत किया. सो ही इज ऑल्सो ही ऑल्सो फेल्ट पॉजिटिव. सो इट्स लाइक हाउ यू कनेक्ट, आपको जैसा फील होता है वो वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं. नहीं जैसे एक्चुअली सबसे बेस्ट पार्ट तो क्या होता है ना, जो घर की एक फ्रेगनेंस होती है ना वो चेंज हो जाती है एंड दैट स्टेज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. आई मीन थ्रू आउट द ईयर वॉल्स हैं, जो जो अगरबत्ती जो हम जलाते हैं, जो दिया जलता है, देयर इज दैट हीट, देयर इज दैट थिंग इन द हाउस, सुपर पॉजिटिविटी इन द हाउस when there's no lights on also, but you can see the flame. So it's amazing. And the best part, जैसे हर साल मैं बोलता हूँ आपको कि मतलब मैं बताता हूँ कि जब मैं गणेश जी की मूर्ति लेकर आता हूँ, जो एवरी डे प्रे करने के बाद जो आँखों में जो चमक आती है ना, वो एवरी डे चेंज होती है. जब रात में गुड नाइट करके जब सुबह मॉर्निंग शूट पे जाने से पहले तैयारी करते हैं, वो आप ये देख सकते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये अभी आप आँखों में जो ग्लॉसीनेस देख रहे हैं ना, दिस वॉज नॉट देयर, दिस वॉज मतलब ये नहीं था जब हम मूर्ति लेने गए थे. तो वो आँखों में जो एक ग्लॉसीपन आता है ना, सो दिस इज आई मीन वन पॉइंट जो मैं गणेश जी की आंखें देखकर चूज करता हूँ मूर्ति, मतलब 30 सेकंड सामने खड़े होके कि हाँ हाँ बेटा मेरे को आना है. सो इट्स लाइक दैट. सो या इट्स ऑल टुगेदर अ ब्लेसिंग. सो पूरी फैमिली की ब्लेसिंग है, घर वाले अपडेट लेते रहते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम CCTV पे दिखाते रहते हैं, देखो कि हमारे यहाँ आरती चल रही है, वो वहाँ पे आरती दिखाते रहते हैं. सो इट्स अ गुड फीलिंग ऑल टुगेदर एंड वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड इस फेस्टिवल के बारे में. मैं अभी आपको स्पेशल चीज दिखाता हूँ जो इन्होंने बनाई है, जो अभी दूसरी आरती का जो प्रसाद चढ़ेगा मैं रिवील कर देता हूँ. शी इज अ फैंटास्टिक कुक, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, मतलब माइंड ब्लोइंग खाना बनाती है, खाना हो या कुछ भी बनाती बहुत बढ़िया. मतलब ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाती है, जैसे अभी इसने हमें खाने का मन मतलब ऐसा लगता है जो साल भर नहीं खाते हैं, अब वो गणेश जी तो बता नहीं पा रहे, तो हमारे अंदर आके बोलते बेटा तेरे को ये खाने की इच्छा, तो आज गुलाब जामुन चढ़ा, आज रसमलाई चढ़ा. तो इसने जैसे सीरा बनाया था, हलवा बनाया था, एक दिन तो मैडम ने पान चढ़ा दिए थे, मीठे पान चढ़ा दिए थे, पान शॉट एंड देन पान के प्रॉपर मीठा पान. सो जो मैम ने आज बनाया है, जो कल पूरी मेहनत की है, मैं आपको वो दिखाता हूँ. आई सी हिम एज एन एक्टर, आई डोंट सी हिम एज माय हस्बैंड. सो अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड ऐसे करते वैसे करते. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इज एन एक्टर, वो अपना काम कर रहे हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. वो एक कनेक्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि इट्स नॉट लाइक दैट एंड वी नो हाउ इट वर्क्स. आप देखिएगा खाने को भी मिलेगा, थोड़ा इंतजार करो. तो या बहुत अलग अलग तरीके के प्रसाद बनाए गए हैं इस बार और हर बार की तरह, रेडीमेड लड्डूज और वो सब जो आते हैं, दैट इज ऑलवेज दैट. बट यस मुझे देखती हैं, एक्चुअली ज़्यादा देख ही नहीं पाती हैं मैडम, बहुत बिजी रहती हैं. आई मेक श्योर एंड आई टेल यू क्या गलत है, कैसा क्या है, ऐसा होना चाहिए. ये सिर्फ एक ही चीज बोलेगी, बोलेगी परफॉर्मेंस तो सुपर है, वो आज बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, आज मेकअप थोड़ा कुछ था, आज मोटे लग रहे थे. सो इट्स ऑल टुगेदर अगेन आई वुड से इसकी जो देखने का जो परसेप्शन है, इट्स ऑलवेज परफॉर्मेंस एज अ कैरेक्टर. सो व्हेन शी सीज मी हियर ऑन टी वी एज रुद्र, एज शेर सिंह, एज हमनी है, जितने भी मैंने कैरेक्टर्स आज तक प्ले करे हैं, तो ऑब्वियसली इससे मैं डिस्कस करता हूँ कि वॉट द कैरेक्टर इज, कैरेक्टर के बारे में डिस्कस होते हैं. बहुत सारे सीन्स होते हैं जो मतलब एज अ कैरेक्टर दैट आई से कि यार दिस इज वॉट इज कमिंग अप अहेड इन द ट्रैक. सो शी इज़ वेल प्रिपेयर्ड एंड शी नोज वॉट एग्जैक्टली द कैरेक्टर इज, सो दैट्स वेयर आई गेट अप्रिसिएशन, तब मुझे बहुत और तारीफ मिलती है. और ठीक है बेटा, जो भी है वो 9 to 10 की शिफ्ट में वहीं छोड़ के आना, घर आने के बाद गौरव ही बच जाना. सो हाँ, तो बोले कहाँ है, जो भी जाएगा रात में तो घर पे ही आएगा. सो वैसी वाली फीलिंग है. सो हाँ, दैट्स व्हाट है. नहीं कोई खुशखबरी नहीं है. नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो, वो सबको पता चलेगा अभी का. नहीं कुछ नहीं बताना चाहेंगे. नहीं, आई स्वेयर वो बताऊंगा, जरूर बताऊंगा. नहीं, नॉट प्रिपेयर्ड. There we have 2-3 things to fulfill and then we'll plan a good family. Yeah. So that's around. She has started her new online business Instagram pe 9 Ombre ke naam se, 9 Ombre by Sakshi Bajaj. So she's actually wearing her own clothes. She's wearing her own outfit designed by her and made by
एंड एवरी थिंग स्टिच बाई हर सो शी हैज़ लॉट ऑफ आउटफिट्स मैं वो भी आपको रिवील करता हूँ तो अभी शी इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर ब्रांड ये अपने उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है आई हैव फ्यू प्रोजेक्ट्स लाइंड अप तो मैं उस पर कर रहा हूँ सो वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू गाइज एंड छुपा के कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को सब छोटे गणेश जी आने हैं आएंगे मैन कलेक्शन आप देख सकते हैं एक तो मैंने जो पहना है कुर्ता वो भी 9 उम्रे का ही पहना हुआ है लखनवी स्टाइल मैन का बहुत फेमस है और आई मीन बहुत फेवरेट है और थोड़े बहुत कपड़े हैं जो मैं आपको छोटे से स्निपेट दिखा देता हूँ बाकी किसी को बताना होगा या एग्जैक्टली आई ही हैज टू जस्ट टेल मी कि मुझे ये पहनना है एंड देन आई डिजाइन इट एंड ही लाइक कुछ बोलते नहीं है चुपचाप पहन लेते हैं एक अच्छे हस्बैंड की तरह या वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न और मेंस के लिए भी है नहीं दिस इज वुमेन अगेन दिस इज द वुमेन रैक For men's, it's more of like order basis, customized. So, Ganpati Bappa ke aashirwad se humne chalu kiya. So, she is concentrating on this now. Thank you so much. Ganpati Bappa. That's what she is aiming. Yes, 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 yes. And she actually received few orders also in between that. No, I mean Ganesh ji ke time pe. Actually, main she knows it what exactly and how I like it. So, usko bahut acche se pata rehta hai. Iske usko matlab meri choice pata hai. So. मैं थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाता हूँ इनफैक्ट पूरा हो जाता हूँ कि यू लेट मी नो व्हाट शुड आई वेयर ऑन दैट डे मुझे बता देना एंड अभी गणेश जी के कुर्ते इसने एक दो बनाए हैं मेरे और हमारे एक दो फ्रेंड्स को भी भेजे हैं सो दैट्स व्हाट शी इज़ ग्रोइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट्स द टारगेट तो मेंस ने मेंस कलेक्शन में अभी इसने आई मीन दिस रॉयल कुर्ताज एंड एवरीथिंग शी स्टार्टेड सो या But good choice. सीख गई मेरे साथ रहने के. रिलाई की planning क्या? It's like वो तो सिर्फ actually घर पे तो आ ही गए हैं. We have our own घर का मंदिर पीछे. तो हमने ठाकुर जी की भी बातें की हैं. ये आपने miss कर दिया. नहीं तो रोज सुबह अभी रोज आरती के पहले नहलाती हैं. इनको proper नहलाती हैं. इनके कपड़े change करती. So आज वो आप footage नहीं ले पाए कोई बात नहीं. So कपड़े change होते हैं इनके. So it's like a very different feeling. जो मैं वापस बोल रहा हूँ एक्सप्रेस नहीं कर सकता बट हाँ जब पापा जाएंगे यार मत बोलो अभी थोड़ा टाइम है इट्स लाइक दैट अभी नहीं हम लोग कोई धूमधाम से नहीं करते हर बार एक दो वो हाँ एक दो ढोलक वाले हैं जिनको पता रहता है कि मैं हमें हर हर साल लगता हूँ बेचारे हर साल आ जाते हैं पर मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ और अपने टाइम पर अपने हिसाब से अच्छे से शांति से नो स्ट्रेस अब वो जाते हुए स्ट्रेस दे के जाए मैं अपने दिल में भी नहीं रखना चाहता या मतलब मैं उनको कुछ ऐसा करूं कि मेरा ध्यान किसी और पे चले जाए सो इट्स लाइक वेरी हैप्पी हैप्पी विदाई वेरी 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 हैप्पी एंड वेरी ग्रेट एंड वी शुड बी वेरी आई मीन पॉजिटिव एंड वेरी लाइट वो थोड़ा सा अंदर से लगता है घर पर आने के बाद जब देखेंगे कि वो 10 दिन का जो शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा ब्रेक होता है बट हाँ अच्छे से गणपति जी की आशीर्वाद थैंक यू बोलना कि हर चीज के लिए एंड नेक्स्ट ईयर जल्दी गणपति बप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या